तो आज गाइस के सब स्वागत है मेरी नए वीडियो में। तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं अपना फेवरेट माइनक्राफ्ट। बट इन वन ब्लॉक। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अब ज्यादा हो रहा है ना मेरा। तो गाइस वैसे मुझे पता है अपनी माइनक्राफ्ट जो सर्वाइवल सीरीज है वो अभी भी चल रही है, मतलब अभी तक खत्म नहीं हुई है, फिर भी मैं वन ब्लॉक पे आ गया हूँ। मतलब कुछ भी काम करना ही नहीं है, मतलब कुछ भी काम पूरा करना ही नहीं है। तो गाइस अब देखो आज की इस वीडियो में हम वन ब्लॉक खेल रहे हैं, जैसा कि तुम देख ही सकते हो, है ना। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम वन ब्लॉक खेल रहे हैं, कितनी बार बोलूंगा भाई ये। अरे कहना क्या चाहते हो। तो गाइस वन ब्लॉक में क्या होता है कि हमें एक ब्लॉक पर खड़ा कर दिया जाता है और उसमें हमें सर्वाइव करना होता है। तो बहुत इजी, अभी मैं बोल रहा था इजी होता है, लेकिन भाई मेरे साथ ही क्यों होता है भाई, मर गया ना। इजी बोल रहा था और भाई इजी हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। देखो गाइस अब वन ब्लॉक में भी आ गया हूँ, बारिश हो रही है यार इधर। अब क्या करूं भाई, कभी मैं जब भी जाता हूं तो या तो रात हो जाती है या तो बारिश हो जाती है। अब थोड़ी देर रुकते हैं और फिर बिना किसी देरी के चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे भाई, ये बहुत परेशान कर रही है यार ये बारिश। देखो ना रुक ही नहीं रही है, रुक जा यार। देखो गाइस रुक ही नहीं रही है, देखो रुक जा। ये क्या हो गया भाई, ये तो डरा लग रही है भाई, रुक भी नहीं रही। चल मैं काम करता हूँ, अपना काम से काम रखता हूँ। अब आए ना लाइन पे। तो गाइस अब अपन चालू करते हैं ब्लॉक तोड़ना, अब ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं लेगी। कर लो बात, क्या करूँ यार अब मैं, दूसरी बार मर गया यार मैं, ये गलत बात है भाई। ये देखो यार मैंने ब्लॉक तोड़ा, लेकिन इधर दूसरा आना चाहिए था ना, क्यों नहीं आया भाई तुम बताओ। अब इधर से और तोड़ने पड़ेंगे ब्लॉक। चलो ये क्या है भाई, अच्छे इसके अंदर लेवल भी होती है, मुझे पता नहीं था। तो अच्छा 10 लेवल का मतलब अभी फर्स्ट लेवल पे हूँ मैं, और इसमें टोटल मिला के 10 लेवल होती है। और तुम मेरे साइड में देख सकते हो ब्लॉक माइंड एक्टेक गेमिंग, मतलब कितने मैंने ब्लॉक माइंड कर लिए हैं। तो गाइस इसमें ना अलग अलग चीज़ें आती रहेगी अपने चेस्ट आ गई भाई, बोलते थे बहुत कुछ हो रहा था ना मैं। चेस्ट में बहुत अच्छी चीजें हैं, डायमंड का आर्मर निकला है देख सकते हो। ये देखो मेरे हाथ में भाई, यार चेस्ट में आई थी अच्छी चीज आ जाती भाई। चलो कोई नहीं। तो गाइस एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि भाई मैं जो अभी खेल रहा हूँ ना, ये 1.20 है, मतलब 1.20 में मैं खेल रहा हूँ। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मतलब इसमें 1.20 की भी चीज़ें आएगी, जैसे कैमल, मतलब वन ब्लॉक में थोड़ी होता है ऐसा, है ना। तो भाई अब मैं 1.20 में खेलूँगा, मतलब अभी मेरी सर्वाइवल सीरीज जो, ये क्या है भाई, इसको चिल्लाया था इसलिए तो ये बिजली भाई क्या कर रहा है ये। चलो गाइस तो भाई मतलब मैं अभी सर्वाइवल सीरीज जो स्टार्ट करूँगा ना, उसके अंदर 1.20 में ही खेलूँगा, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होगी उसके अंदर। अच्छा ठीक है। अच्छा तो गाइस तुम देख सकते हो मैंने एक्सपेंड कर लिया ताकि मैं गिर ना पाऊँ, मतलब गिर ना सकूँ। तो भाई देख सकते हो तो डर्ट से क्या है, वैसे मैं इसको वुड में कर दूंगा क्योंकि गाइस ये अच्छा लगता है डर्ट, मतलब बना ही रहे हैं तो वन ब्लॉक का वर्ल्ड थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना, लगना चाहिए एक्टेक का वर्ल्ड है ना, लगना चाहिए गाइस एक्टेक का वर्ल्ड। वैसे कोई जानता तो है नहीं, फिर भी चलेगा। किसने बोला था? ले ले ले, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। तो गाइज अपने पास वुड आ चुकी है, तो अपन बेसिक टूल्स बना लेते हैं। सबसे पहले मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ ताकि इससे मेरे मतलब टूल्स बन जाएं। तो पहले तो मैं पिकेक्स बना लेता हूँ, क्योंकि अगर स्टोन आ गया तो, वैसे अभी तो नहीं आने वाला, स्टोन थोड़ी लेट आता है, मतलब उसके अंदर लेवल सेकंड पे आते तब आता है शायद तक। और एग्स भी बना लिए अभी मैंने, शवल भी ले लेता हूँ क्योंकि अभी डर्ट बहुत सारी आने वाली है, अभी अभी शुरू शुरू में ही आएगी, बाद में तो बस मतलब थोड़ी बहुत चीज़ आएगी जैसे स्टोन विस्टोन, बस यही आएगा। वैसे डर्ट भी आएगी लेकिन बहुत कम कम, मतलब बहुत कम, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो गाइस बस इधर माइन करने का यही खतरा है, इधर बस वो नहीं आने चाहिए मॉब, मतलब कोई भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो भाई मैं मर गया, मतलब यहीं मर गया मैं। और क्रीपर तो आना ही नहीं चाहिए, जैसे कि अभी देख सकते हो भाई डर्टी डर्ट आ रही है भाई, यार भाई क्रीपर नहीं आ जाए, बस यही मेरे को डर लगता है, बस क्रीपर नहीं आना चाहिए, है ना। बट डर्ट अभी तो डर्टी डर्ट आ रही है बस, है ना।
तो गाइज अभी वुड आ गया, मतलब भाई मतलब अभी बहुत धीरे धीरे चल रहा है, मतलब वुड और डर्ट ही आ रही है बस, अभी स्टोन नहीं आएगा। जब अपन लेवल 2 पे आ जाएंगे ना तब अपना मतलब ऐसा लग, मतलब वो स्टोन आयरन बाकी सब आने लग जाएंगे। अभी तो आयरन ही आएंगे लेवल 2 पे, या फिर वो स्टोन या आयरन आएंगे, और कोल भी आ सकता है शायद तक, तो देखते हैं क्या क्या आता है। अभी पम्पकिन आ गया। तो गाइस मैंने डर्ट से थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया ताकि मैं मतलब यहाँ पे गिरूँ ना, और मतलब जो भी मतलब एनिमल वेनिमल आए वो भी गिरे ना, और जो भी अभी एनिमल आएंगे जैसे शीप काओ जो भी आएगा ना उसके लिए मतलब मैं ना अभी छोटा सा फार्म बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब छोटा सा उधर मतलब अभी रह ले, फिर अब इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी ना उसमें मैं बना लूँगा अच्छा खासा फार्म, है ना। तो अभी तो सुबह भी होने वाली है, तो होने वाली है मतलब समझ लो, है ना। तो अभी पम्पकिन का सीड नहीं रहते क्या यार, बस पम्पकिन ही मिलता है, तो पम्पकिन को उगाएंगे कैसे फिर अपन, अच्छा ये तो खा भी नहीं सकते शायद तक, मेरे को पता भी नहीं था। तो गाइस अब थोड़ी बहुत चीज़ें आने लगी है, जैसे वुड, वुड की बहुत ज़रूरत है, मतलब वुड और सैपलिंग, मतलब वुड की सैपलिंग मिल जाए ना फिर तो अपने पास अनलिमिटेड वुड हो जाए, मतलब फिर तो वुड की कमी ना हो। और फिर चलो शिप आ गई, भाई मेरा भाई आ गया, भाई मेरा बड़ा भाई आ गया, चलो गाइस भाई आ गया, चलो इसको कहाँ भाई, चलो यहाँ से गिरना मत भाई, गिरना मत यहाँ से, गिरना मत, बहुत मुश्किल से आई है, बस यहीं तेरा मतलब यहीं आ जा, यहाँ आ जा भाई, यहाँ आ जा, एक बार और बोल रहा हूँ, इधर आ जा, इधर आ जा, बेइज्जती अलग करा रही है, सुन भी नहीं रही है भाई। चलो गाइस अब ऐसा करते हैं अपन, काट मतलब तोड़ने पे ध्यान, काम करने नहीं देगी है भाई, भग जाए यहाँ से। तो ऐसा करता हूँ पहले मैं मतलब अपना जो भी चीज़ें मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि इनके लिए वो बना लूँ, नहीं तो ये काम करने नहीं देंगे भाई, मैं सही बताऊँ तो काम नहीं करने देंगे। तो जल्दी से मैं इधर थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर लेता हूँ, चेस्ट आ गई भाई, हट जा भाई, चेस्ट आ गई, हट जा, तू भी देख ले, आ जा। अरे भाई इनके लिए कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा यार, कैसे बनाऊँ, लेकिन चलो कोई नहीं, पहले मैं चेस्ट खोल के देखता हूँ, पहले एक्सपेंड कर लेते थोड़ा सा। देख भाई तुम्हारा भाई है ना, चेस्ट खोलने दे यार, हट जा यहाँ से, हट जा, हाँ बोल दे बस एक बार, हाँ बोल दे प्लीज, चल जाए यहाँ से भाई, बेइज्जती करा रहा है तो हट जाए यहाँ से, मतलब देख ही रहा मेरे तो, हट भग जाए, भग जाए यहाँ से। चलो बहुत अच्छी चीज़ें मिली है भाई चेस्ट में, भाई देख सकते हो कितनी अच्छी चीज़ें मिली है, चलो कोई नहीं, ये भी अच्छा मतलब कूड़ा भी काम आ जाता है कभी कभी, तो भाई ये तो रख लेते। कैरेट, हाँ कैरेट काम की चीज़ें, अभी मतलब पिग विग आ गया ना तो उसके लिए बढ़िया है भाई, क्योंकि पिक से क्या होगा फिर अपन उसको मतलब वो कर लेंगे ना, टेम क्या वो कर लेंगे, मतलब उससे उसको अट्रैक्ट करके अपन कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो मैंने 2 सैपलिंग उगा दी इधर ताकि ये ग्रो होके मतलब एक वो बन जाए ट्री, तो बढ़िया है भाई, सैपलिंग भी आ चुकी है अपने पास, मतलब अब अनलिमिटेड मतलब वुड है अपने पास, यूँ समझ लो अनलिमिटेड वुड है, तो भाई मतलब अपने पास अब अनलिमिटेड वुड आ गई है, वैसे है अभी मेरे पास, लेकिन मेरे को है ना ये वाली वुड जो अभी सैपलिंग आई है ना ये अच्छी नहीं लगती यार, मतलब अगर डार्क ओक का होता ना तो मजे आ जाते भाई, मतलब डार्क ओक क्या मस्त लगता है, मतलब डार्क ओक की सैपलिंग होती है ना वो मजा आ जाए, या फिर स्प्रूस भी चलेगा वो भी बढ़िया रहता है, लेकिन अपने हिसाब से कुछ नहीं होता इधर। तो गाइस अब तोड़ने पे ध्यान देते थोड़ा बहुत, नहीं तो चलो वापस से पम्पकिन आ गया भाई, खा भी सकती है इसको थोड़ा, मेरे को पता नहीं है। तो गाइस इधर वुड तोड़ लेता हूँ, वैसे मुझे अभी पता नहीं है वन ब्लॉक में क्या क्या होता है, फिर भी मैं कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, है ना, और मतलब ऐसा नहीं है कि अब वन ब्लॉक पे आ गया तो वन ब्लॉक ही खेलूंगा, नहीं अभी सर्वाइवल सीरीज भी आ सकती है, लेकिन ये जो है ना बकरी भाई ये मतलब काम करने देगी कि टूट गई, अब हाथ से ही तोड़ना पड़ेगा भाई हर चीज़, अब जल्दी से तोड़ता हूँ मैं। तो भाई थोड़ा बहुत और एक्सपेंड करना पड़ेगा मुझे ताकि मैं इधर ट्री भी उगा सकूँ और बाकी मेरा वो फार्म वार्म बना सकूँ, तो थोड़ा बहुत और एक्सपेंड कर लेता हूँ मैं। तो गाइस मैंने डर्ट से और एक्सपेंड तो नहीं किया, बल्कि मैंने डर्ट को मतलब रिप्लेस करके वो कर दिया, मैंने मतलब जो प्लैंक होते हैं ना वो लगा दिए, है ना। तो भाई मेरे को पहले याद नहीं था कि प्लैंक के स्लैब भी बनते हैं, तो स्लैब भी लगा सकता था, लेकिन अब प्लैंक लग गए जो लग गए। तो गाइस मतलब अब है ना मेरे को है ना डर्ट अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने प्लैंक लगाया, और अब मैं पूरा मतलब अभी तो डर्ट ही लगाऊंगा मैं हर जगह, फिर उसके बाद उनको प्लैंक में चेंज कर दूंगा मैं, क्योंकि डर्ट अच्छी नहीं लगती यार, और डर्ट थोड़ी बहुत रहने दूंगा मेरे पास, क्योंकि उधर हमें फार्म भी तो बनाना है, मतलब बड़े बड़े फार्म बनाने हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े जिन्हें किसी ने सोची नहीं हो ऐसे बड़े बड़े फार्म बनाऊंगा मैं, है ना, मतलब वन ब्लॉक में वो भी भाई, अब पता नहीं है बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी तो अभी मेरी सर्वाइवल सीरीज ही चल रही है, वो ही खत्म नहीं हुई, है ना, तो अभी तो देखते हैं। ओह भाई 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 इसका भाई आ गया, भाई बकरी का भाई आ गया, अब मुझे नहीं लगता इधर जगह बचेगी भाई, तो अपन ऐसा करते इधर थोड़ा और एक्सपेंड कर देते डर्ट से, क्योंकि अभी मेरे मतलब वुड ख़त्म नहीं करना चाहता मैं अपनी, तो अभी डर्ट से एक्सपेंड कर देता हूँ मैं, और इधर एक मतलब फार्म वार्म बना ही देते हैं इनके लिए, चलो देखते हैं अभी बनाते हैं कि नहीं।
तो गाइस तुम देख सकते हो उधर मैंने थोड़ा कर दिया ऐसे एक्सपेंड, और इधर हम इनको रख देंगे। चलो दो ही आ गए भाई, मतलब सीधे दो ही भाई सीधे हैं, बड़े हैं लेकिन सीधे हैं। तो गाइस अपन इनको ना रख देते इधर, वो लगा देते क्या बोलते यार उसको, फेंस, हाँ फेंस लगा देते हैं। और भाई मतलब फेंस की मेरे को लगता है कमी पड़ जाएगी, क्योंकि भाई मेरे को भी बहुत सारे वो भी चाहिए, और वुड का अब तो वुड की कमी नहीं है भाई, अब वुड की कमी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुमने देख लिया होगा कि अब हमारे पास अनलिमिटेड वुड है, क्योंकि हमारे पास सैपलिंग आ चुकी है ना, तो अब अनलिमिटेड वुड है। और अब मैं ना इधर सब फेंस वेंस लगा देता हूँ, ताकि ये ना बाहर ना निकले, है ना, तो बाहर निकल जाएंगे तो मर जाएंगे, इनका भरोसा नहीं है भाई, ये मर भी सकते हैं। तो भाई अभी मेरे पास ज़्यादा फेंस तो नहीं है, इसलिए ज़्यादा लगा नहीं रहा हूँ मैं, बस अभी आगे और पीछे लगाऊंगा, साइड दोनों साइड खुली छोड़ दूंगा, बाद में लगा देंगे, है ना। और अगर ऐसा लगता है कि ये मर रहे हैं तो फिर लगा ही दूंगा मैं, है ना। तो अभी तो देखता हूँ मैं लगाता हूँ कि नहीं। तो गाइस इनका छोटा भाई भी आ चुका है, दो बड़े भाई का छोटा भाई भी आ चुका है ना, तो बढ़िया है। अपने पास अब फूड की कमी नहीं है गाइस, अब फूड की भी कमी नहीं है अनलिमिटेड। ए भाई अंदर आ जाओ भाई, एंड पे खड़ा था भाई, मर जाता है। अब फूड की कमी नहीं है गाइस अब हमारे पास, और वुड की कमी भी नहीं है, और फूड की कमी भी नहीं है ना, तो बढ़िया है अपने पास। बस ये मैंने दो साइड खुला छोड़ दिया यार, बस इधर ही डर है कि गिर ना जाए, है ना। तो गाइस अभी बहुत एक्सपेंड करना है मुझे, और बाकी अभी मैं तोड़ना चालू करता हूँ, है ना। और कुछ भी मतलब अच्छी चीज़ आई तो मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि अभी तो सिर्फ डर्ट और बाकी सारी चीज़ें आती हैं, तो जब भी कुछ अच्छी चीज़ आई तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो गाइस बहुत बड़े संकट में हूँ यार, कोई क्या 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 आ चुका है इधर, भाई भग जाए ऐसे, भाई भाई मैं बोल रहा था जी जी जाए, तो क्या क्या भाई भग जाए ऐसे, भग जा भाई, कुछ भी नहीं, एक बार तो गिर गया मैं इसकी वजह से, चलो गया 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 भाई, अच्छा हो गया। हाँ भाई ये देखो मैंने क्या कर दिया इधर, इतनी जल्दी जल्दी ब्लॉक लगाया ना मैंने, ये आया जैसे ही, और मैं बोल रहा था कुछ अच्छी चीज़ आएगी तब बताऊंगा, भाई ये तो जने के ही आ गया। तो गाइस अच्छा है कुछ नहीं हुआ, नहीं तो एक बार तो मर गया मैं, सारी चीज़ें गई भाई मेरी, क्या बताऊँ मैं, सारी चीज़ें गई मेरी। चलो अब कोई बात नहीं, अब वापस से ले लेंगे सारी चीज़, तो अच्छा ही गया तो सही ना, इधर एक्सपेंड कर देता हूँ थोड़ा और भाई, मैं जल्दी से मैं करके फिर तुम्हें बताता हूँ। तो गाइस चेस्ट आई है, देखते इसके अंदर क्या है, कुछ अच्छी भाई हमेशा यही आ रहा है भाई, कुछ भी अच्छी चीज़ आ ही नहीं रही है भाई, ये क्या है, चेस्ट के अंदर कुछ तो अच्छा चीज़ होना चाहिए। चलो कोई नहीं अब इसे ले लेते हैं, मतलब कभी कभी ये भी अच्छा होता है, तो इसको रख लेते हैं, है ना। तो फ्लावर तो वैसे क्या काम है यार फ्लावर का, मेरे को पता नहीं है, फिर भी ले लेते गाइस, है ना। फ्लावर मैंने ले लिया, और बाकी अब देखते क्या क्या चीज़ें आती है, इसको तोड़ता हूँ अब मैं जल्दी से। तो गाइस तोड़ लेते हैं इसको। ओ भाई एक और भाई आ गया इनका। तो गाइस देख सकते हो भाई सुबह हो रही है अभी वन ब्लॉक वर्ल्ड में हमारे, तो गाइस सुबह हो रही है। तो भाई ये देखो इधर एक और चेस्ट मिल चुकी है, और इधर मुझे मिली आइस और वाटर, भाई मस्त चीज़ मिली है अभी अभी, मतलब अभी मिली है, मस्त चीज़ मिल गई, बढ़िया है, फ्लावर से तो अच्छी है। तो गाइस ये प्लेस हो गया भाई, इधर पानी निकल रहा भाई, अब यार क्या करूँ इसका, मैं बकेट भी एक ही है, अब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही रहने देता हूँ बस, इसको पैक कर देता हूँ मैं, एक एक काम है बस मेरे पास, इसको है ना डर्ट से अपन ऐसे यहाँ पे क्यों आ रहा है, यहाँ हाँ ऐसे, और एक यहाँ से, हाँ अब ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब वाटर में वेस्ट नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि भाई अगर ये गया तो फिर अपन कुछ भी नहीं कर सकते। एक वाटर है मेरे पास वैसे, भाई लेवल सेकंड हो चुका है अपना, वाह यार मजे आ गए भाई, अब स्टोन आने लग गया भाई, इसका मतलब अपन स्टोन एज में पहुंच जाएंगे, मतलब स्टोन एज का, हाँ मतलब वो, मतलब अपन स्टोन की पिकेक्स और बाकी सब बना सकते हैं वो। तो गाइस अब जल्दी से पहले ये सारे सामान रख देता हूँ, ताकि इधर कुछ कुछ आ जाए तो मर ना जाऊँ मैं, सारे सामान रख देते हैं, और फिर इधर से मैं तोड़ना चालू करता हूँ स्टोन को, यार भाई स्टोन को माइन करूँगा अब मैं। सबसे पहले पिकेक्स बना लेते हैं अपन, क्योंकि पिकेक्स जरूरी है, पिकेक्स बना लेते हैं पहले स्टोन की, स्टोन के वुडन की पिकेक्स बना लेते हैं, और फिर इसे माइन करते हैं। तो गाइस अभी मैंने स्टिक भी बना ली, और ये पिकेक्स भी बन चुकी है, अब तोड़ लेते भाई स्टोन को। भाई पहली बार ऐसा लग रहा है कि स्टोन बड़ी चीज है भाई, पहली बार ऐसा लग रहा है, तो जल्दी से कर लेते हैं, तो इसे तोड़ लेते। चलो कोल भी आ गया भाई, कोल भी आ गया, चलो इसको स्टोन पिकेक्स से माइन करूंगा, अब स्टोन पिकेक्स बना ही लेता हूं, क्योंकि अपने पास आ चुके तीन वो स्टोन, चार आ गए सॉरी, है ना, तो चार आ गए, और तीन से हमने पिकेक्स बना ली, तो अभी इसे तो मतलब तोड़ लेते, खोद लेते, क्या तोड़ लेते हैं, है ना, तो जल्दी से इसको खोद लेते हैं। तो गाइस मिल गया, चलो कोल मिल गया, अब जल्दी से मैं थोड़ा और खोदता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ। तो गाइस माइन करते करते थोड़ी देर मैंने पीछे देखा, तो मुझे क्या पता चला
कि भाई मेरे सारे एनिमल मर चुके, बस ये बची है। तो गाइस भाई अब क्या करते हैं, इन सबको वापस, भाई भाई बच गई बच गई बच गई। चलो अब ऐसा करते हैं, अब कैरेट से पहले तो इनको अंदर ले लेते हैं, ये दो जो अपना पिग है ना। देखो कैरेट काम आ रहा है भाई, अब कैरेट जैसे मैंने सोचा था भाई। ये देखो दो ही लड़ रहे हैं भाई, भाई तुम दो ही भाई हो, एक एक करके आओ ना। चलो एक समझदार था तो अंदर आ गया, चलो अब दूसरा भी आ जा भाई, आ गया, चलो आ गया भाई। अब इधर पैक करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये गिर रहे हैं भाई। भाई यहाँ साइड, भाई 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 उसको देखो, वो बड़े खतरों की खिलाड़ी बन रही हो, देखो वहाँ से कूदना चाह रही हो देखो। और ये भाई ये देखो, ये देखो ये, हाँ इधर आ जा भाई, इधर आ जा, इधर आ जा। हाँ दो ही खतरों के खिलाड़ी बन ये, इसको देखो, पहले इसको बाहर निकलना है। सबसे पहले गाइस मैं इनको अंदर डालता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ, है ना। तो भाई आन दो भाई, इनको आन दो भाई, अंदर आ, अंदर आ भाई, अंदर आ, अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर आ, जल्दी आ, जल्दी आ जा। ये देखो, ये देखो यार, मैं इतनी मुश्किल से अंदर डाल रहा हूँ, बाहर जा रहे, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ जा, इधर आ जा। नहीं 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 नहीं, जा जा जी ले अपनी जिंदगी, जा जा, नहीं पकड़ रहा तेरे को। तो गाइस देखो ये स्लाइम कितना, मतलब कितना मासूम है भाई, मार भी नहीं सकता, इतना छोटा है भाई। देखो क्यों बनाया होगा इसको भाई बेचारे को। गाइस देखो मैंने इसको खुली छूट दे रखी है, मार भाई तू मेरे को, लेकिन मार ही नहीं पा रहा भाई, अब मुझे ही मारना पड़ेगा क्या इसको। चलो एक बार एक टच करके देख भाई, ये तो बड़ा नाजुक था, एक टच में मर गया है। तो चलो कोई बात नहीं, हमें एक अच्छी चीज मिल गई है जो कि है स्लाइम। ये अच्छी चीज है क्योंकि इससे हम लीड बना सकते हैं। भाई देखा तुमने, ट्री उग गया भाई, ट्री उग गया, ट्री उग गया भाई, भाई भाई अब तो अनलिमिटेड वुड है अपने पास, अनलिमिटेड वुड है भाई, मजे आ गए भाई, ट्री उग गया, ये खतरनाक बात हो गई भाई, बढ़िया है। अब अपन इससे अनलिमिटेड वुड ले सकते हैं, और भाई अब हमें वापस से माइनिंग चालू कर देनी चाहिए। तो गाइस तुम देख सकते हो मैंने कितना एक्सपेंड कर लिया है इधर। तो गाइस अब मेरे पास क्या है, आयरन भी है। तो आयरन से अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं फर्नेस बना लेते हैं, और आयरन को स्मेल्ट करने के लिए डाल देते हैं, और आयरन से फिर अपन आयरन पिकेक्स बना लेंगे। तो भाई बहुत जल्दी हो गया यार ये आयरन का काम, तो मतलब जल्दी मिल गया अपने को आयरन, है ना। जल्दी से मैं इधर डाल देता हूँ, पहले देखता हूँ कोल कितना अपने पास। चलो है, कोल तो है अपने पास, चलो बढ़िया है। अब थोड़ा कम कर लेते हैं कोल को भाई, क्योंकि ज़्यादा लग गया ना फिर। तो गाइस आयरन भी है, मतलब अपन को तीन की जरूरत है, क्योंकि तीन आयरन से बनती है पिकेक्स, है ना। और एक स्टोन का वो भी बना लूँगा भाई, स्वॉर्ड भी बना लूँगा अगर बन रही हो तो। अभी तो पहले स्मेल्ट करता हूँ मैं, जल्दी से कर लेते हैं, और ये होती रहेगी, और अच्छा खासा उजाला भी हो रहा है इधर। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, टॉर्च भी बना ही लेते हैं, बिकॉज टॉर्च से क्या इधर उजाला हो जाएगा, और इधर मॉब स्पॉन होने का खतरा नहीं रहेगा। और भाई मैंने एक्सपेंड भी इतना कर लिया अपना वन ब्लॉक का वर्ल्ड, मतलब एक दिन में ही। और मतलब इसकी अगली वीडियो में तो मैं क्या करने वाला हूँ, इधर है ना जिधर मैंने एक्सपेंड किया, इधर पूरे में मैं एक फार्म बनाने वाला हूँ, एक एनिमल फार्म और एक वो फार्म, क्या बोलते हैं उसको, एक क्रॉप फार्म, बस ये दो फार्म बनाऊंगा, है ना। फिर उसके बाद अपन उसके अगली वीडियो में हम बनाएंगे घर बहुत बड़ा, मतलब मॉडर्न, मॉडर्न तो क्या बनाएंगे, मॉडर्न तो बनेगा ही नहीं इधर, है ना। तो कुछ मतलब ऐसा घर बनाऊंगा, वुड का बनाऊंगा, लेकिन है ना एक नंबर लगना चाहिए वो घर, है ना। तो जल्दी से सबसे पहले तो अपन ये कर लेते हैं जो अपन को करना है। तो सबसे पहले मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो कहीं मेरे पास वो नहीं था ना, क्या बोलते हैं, डर्ट, मैंने कोबल स्टोन से चालू कर दिया, और मेरे पास वो भी नहीं थी वुड, तो वुड भी नहीं लगाई मैंने, तो अब कोबल स्टोन से ही चालू कर दिया एक्सपेंड करना। तो बढ़िया है, कोबल स्टोन से ही कर रहा हूँ अभी मैं, जल्दी से मैं थोड़ा और करके फिर तुम्हें बताता हूँ। तो गाइज इतना मैंने एक्सपेंड कर लिया है, बहुत लगता है मेरे को, अभी थोड़ा और कर लेता हूँ बस इधर से। तो गाइज यार इधर है ना तीन शिप आ चुकी है, इसका मतलब मेरा बेड का तो इंतजाम हो गया। तो गाइज मतलब आज बेड बनाऊंगा, और फिर उसके बाद अपन बस आज की वीडियो में बस इतना ही कर लेंगे, है ना। तो गाइज सबसे पहले तो मैं इनको मार लेता हूँ, लेकिन तुम कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो मार दूँ मैं इनको, तो फिर उसके बाद ये फिर वापस आएंगी ना, मतलब मैं वापस से माइन करना चालू करूँगा तो आएगी कि नहीं आएगी, कि भाई मतलब मैंने इनको मार दिया तो फिर आएगी कि नहीं आएगी, तुम कमेंट में जरूर से बताना, मैं मतलब तुम्हारे भरोसे कर रहा हूँ। जल्दी से मैं एक को तो मारता हूँ पहले, ये भाई एक टच में मर गई है, सर्वाइवल मोड में तो नहीं होता भाई, ये क्या है भाई। चलो करते जल्दी से इसको मार देता हूँ मैं, सर्वाइवल क्या, मेरे सर्वाइवल सीरीज में, सॉरी। अब इसको मार, भाई एक एक टच में मर रही है भाई, ये तो भाई यार खतरनाक काम है। तो गाइस अब अपन बेड बना लेते हैं, मतलब भाई अब अपने पास शिप भी नहीं रही है ना, बस एक ये बच्चा है, इसका क्या करूँगा भाई मैं, तुम बताओ। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब सबसे पहले बेड बना लेते हैं और सो जाते हैं। तो जल्दी से अपना बेड बन चुका है, और जल्दी से सो जाते हैं। तो गाइस मतलब समझ लो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।